नमस्कार दोस्तों, एग्जाम स्टार्ट में आपका स्वागत है। आज मैं आपके जो वीडियो लेके आया हूँ वो सिविल इंजीनियरिंग सीरीज की, जो एसएससी जेई के मैंने लास्ट 10 to 12 ईयर्स 2004 तक की जो क्वेश्चन की सीरीज चलाई हुई है वो लेके आया हूँ। मैं टॉपिक लेके आया हूँ सर्वेइंग पार्ट 4। सर्वेइंग की 3 वीडियोज मैं पहले ही डाल चुका हूँ, आप लोगों ने देख भी ली होगी जिन्होंने सब्सक्राइब कर रखा है, और जो न्यू है वो उन वीडियो को जरूर देखे ताकि आपको पूरा फायदा हो। ये 2004 तक के जितने क्वेश्चन हैं वो सब इसमें कवर अप हो चुके हैं। आइए दोस्तों क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, एन एनालिटिक लेंस इज प्रोवाइडेड इन, एक एनालिटिक लेंस प्रोवाइड किया जाता है सर्वेइंग के इंस्ट्रूमेंट्स में, वो किस में प्रोवाइड किया जाता है, कौन से इंस्ट्रूमेंट में? ऑप्शन है आपके पास थेडोलाइट, टेक्योमीटर, डंपी लेवल और प्रिज्मेटिक कंपास। तो आप यूज करोगे उसको टेक्योमीटर में। एन एनालिटिक लेंस इज प्रोवाइडेड इन टेक्योमीटर। अब ये है क्या, टेक्योमीटर क्या है? तो टेक्योमीटर विद एन एनालिटिक लेंस आर फेमस। क्यों फेमस है? क्योंकि उनका एडिटिव कांस्टेंट जीरो होता है। देयर एडिटिव कांस्टेंट इज जीरो। देयर इज वन कनकेव लेंस इंट्रोड्यूस बिटवीन द आईपीस एंड द ऑब्जेक्टिव पीस टू एलिमिनेट द एडिटिव कांस्टेंट ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। इसी को कहते हैं एनालिटिक लेंस, जो एक्स्ट्रा वन कनकेव लेंस इंट्रोड्यूस हुआ है आईपीस और ऑब्जेक्ट पीस के बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, द फिक्स्ड पॉइंट हुज एलिवेशन इज नोन। एक फिक्स्ड पॉइंट जिसका एलिवेशन हमें पता है उसको क्या कहते हैं? ऑप्शन है बेंचमार्क, चेंज पॉइंट, रिड्यूस लेवल और स्टेशन। जब हम सर्वेइंग कर रहे होते हैं, आप लोगों ने कॉलेज टाइम पे किया भी होगा या कहीं पे आप इंटर्नशिप वगैरह पे गए तो वहां पे किया होगा, तो जिस समय एक फिक्स पॉइंट दिया जाता है जब रेंजिंग वगैरह की हो, तो उस फिक्स पॉइंट को जिसका एलिवेशन हमें पहले से पता है कहते क्या है? आपके पास 4 ऑप्शन है, बेंचमार्क, चेंज पॉइंट, रिड्यूस लेवल और स्टेशन। तो उसको कहते हैं हम बेंचमार्क। हम कई बार गलती कर देते हैं इसको किसके साथ रिलेट करके, रिड्यूस लेवल के साथ। रिड्यूस लेवल की बात पहले ही हो रहा है, हुज एलिवेशन इज गिवन, एलिवेशन उसका दिया हुआ है तो उसको हम क्या कहते हैं? बेंचमार्क। यहाँ कुछ डेफिनेशन दिए सबकी। बेंचमार्क क्या है? इज अ रिलेटिव परमानेंट पॉइंट ऑफ रेफरेंस हुज एलिवेशन विद रिस्पेक्ट टू सम एज्यूम डेटम इज गिवन। चेंज पॉइंट क्या है? इज द पॉइंट एट विच इंस्ट्रूमेंट स्टेशन शैल बी शिफ्टेड। चेंज पॉइंट वो होते हैं जब हम इंस्ट्रूमेंट्स चेंज करते हैं जहां जहां पे। रिड्यूस लेवल क्या है? इज द एलिवेशन ऑफ अ पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू आइदर फ्रॉम एमएसएल और अ फिक्स पॉइंट, या जो हमने जैसे हमने बेंचमार्क फिक्स कर दिया उसके हिसाब से हम दूसरे लेवल का रिड्यूस, दूसरे पॉइंट्स का और इन रिड्यूस लेवल निकालते हैं, या जो पहला बेंचमार्क है उसका रिड्यूस लेवल हम एमएसएल से चेक करते हैं। सर्विस स्टेशन क्या है? सर्विस स्टेशन इज अ प्रोमिनेंट पॉइंट ऑन द चेन लाइन एंड कैन बी आइदर एट द बिगिनिंग ऑफ अ चेन लाइन और एट द एंड। सर्विस स्टेशन या तो शुरू में भी हो सकता है या एंड में भी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, द करेक्शन इन एलिवेशन ड्यू टू कर्वेचर। जो एलिवेशन में करेक्शन होता है कर्वेचर के कारण और रिफ्लेक्शन के कारण, वो प्रोपोर्शनल होता है किसके? तो दोनों का जोड़ की बात हो रही है, कर्वेचर का भी करेक्शन और एलिवेशन का भी। ऑप्शन है आपके पास डी बाय आर, डी स्क्वायर बाय आर, आर स्क्वायर बाय डी और आर स्क्वायर बाय डी। तो ऑप्शन होता है डी स्क्वायर बाय आर। देखते हैं कैसे। हमें पता है करेक्शन बाय कर्वेचर क्या होता है, डी स्क्वायर बाय 2 आर, और करेक्शन बाय रिफ्लेक्शन क्या होगा, 1/7 ऑफ करेक्शन बाय कर्वेचर। तो करेक्शन बाय कर्वेचर होता है उसका 1/7 होता है, या कहो डी स्क्वायर बाय 14 आर। तो जब मैंने कंबाइन करेक्शन निकाला कर्वेचर का और रिफ्लेक्शन का, तो मेरा टोटल रिफ्लेक्शन का हमेशा सब्ट्रैक्टिव होता है, तो करके कितना आ गया, 6/7 ऑफ डी स्क्वायर बाय 2 आर, 6/7 बाय 2 डी स्क्वायर बाय। ये एक कांस्टेंट वैल्यू है, इससे मुझे कुछ नहीं लेना था, वो सिर्फ प्रोपोर्शनल की बात कर रहा था। ऑप्शन क्या आ गया, डी स्क्वायर बाय 2 आर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन एक न्यूमेरिकल है, क्या कह रहा है, इफ द फोर बियरिंग ऑफ ए लाइन इज नॉट 30 डिग्री इज द बैक बियरिंग ऑफ द लाइन। उस लाइन की बैक बियरिंग निकालनी है। आइए देखते हैं कैसे। मैंने पहले न्यूमेरिकल जो किए हैं पिछली वीडियोस में, उसमें आपको समझ में भी आ गया होगा। आप इसको पॉज करके खुद एक बार ट्राई कर सकते हैं ताकि आपके लिए आसान रहे, आपको पता चल जाए कि आपको इन न्यूमेरिकल्स आए हैं या नहीं आए। बहुत आसान न्यूमेरिकल से ये कह रहा है कि एक लाइन का जो फोर बियरिंग है वो दे रखा है, नॉर्थ इधर होता है, ईस्ट इधर होता है, तो आपको ये चीज दी हुई है क्योंकि क्वाड्रेंटल बियरिंग सिस्टम में दिया है, तो आपको ये 30 डिग्री दिया है। अब ये कह रहा है उसकी बैक बियरिंग, मान लो ये ए बी है, तो बैक बियरिंग क्या होगा, मैं बी पॉइंट पे रख के अपना इंस्ट्रूमेंट और वापसी ए को देखूंगा, तो यही बैक बियरिंग बोलेगा, तो इसको कहते हैं बैक बियरिंग। अब ये है होल सर्कल मेथड में, अगर मैं क्वाड्रेंटल में करूं तो इतना निकालना पड़ेगा जो कि कितना होगा 30 डिग्री, और ये है मेरा साउथ, ये वेस्ट, तो ये 30 डिग्री साउथ वेस्ट, तो आंसर क्या हो जाएगा,
सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द बबल ट्यूब पैरेलल टू द टेलीस्कोप ऑफ अ थायरोलाइट शुड बी मोर सेंसिटिव सिंस इट कंट्रोल्स। जो बबल ट्यूब होती है पैरेलल, जो टेलीस्कोप के पैरेलल बबल ट्यूब होती है थायरोलाइट में, वो मोर सेंसिटिव होनी चाहिए। क्यों? सिंस इट कंट्रोल्स वर्टिकल एक्सिस, हॉरिजॉन्टल एक्सिस, एक्सिस ऑफ बबल ट्यूब, नन ऑफ दीज। आपके पास चार ऑप्शन है, इनमें से एक ऑप्शन है। कह रहा है कि जो बबल ट्यूब है जो टेलीस्कोप के पैरेलल होती है, वो थायरोलाइट में जो बबल ट्यूब है वो ज्यादा सेंसिटिव होती है क्योंकि वो कंट्रोल करती है हॉरिजॉन्टल एक्सिस को। ये लिखा हुआ भी आप इसको पढ़ के पढ़ सकते हो, काफी अच्छे से डिटेलिंग दी हुई है बुक से, उठाइए एबीसी पूर्णिया से। इसमें लिखा हुआ बबल ट्यूब इज ऑल्सो अटैच आइदर टू वर्टिकल वर्नियर फिन, दिस शुड बी वेरी सेंसिटिव। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, क्रॉस हेयर्स इन सर्वेइंग टेलीस्कोप्स आर फिटेड। जो सर्वेइंग टेलीस्कोप में जो क्रॉस हेयर्स हैं आर फिटेड, कहाँ फिट होती है वो? इन द ऑब्जेक्टिव लेंस, एट द सेंटर ऑफ द टेलीस्कोप, एट द ऑप्टिकल सेंटर ऑफ द आईपीस, और इन फ्रंट ऑफ द आईपीस। जो क्रॉस हेयर्स होती है, ध्यान रखना, वो कहाँ होती है हमारी? इन फ्रंट ऑफ द आईपीस। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, इन लेवलिंग ऑपरेशन, जब हम लेवलिंग कर रहे होते हैं सर्वेइंग में, हम जब लेवलिंग पार्ट कर रहे होते हैं, जो ऑपरेशन कर रहे होते हैं, तो क्या होता है? द फर्स्ट साइट ऑन एनी चेंज पॉइंट इज बैक साइड। जो फर्स्ट साइट होती है किसी भी चेंज पॉइंट पे, वो बैक साइड होती है। जो हम सबसे पहला देखते हैं, तो सबसे पहले कौन सी साइट होती है? बैक साइड। ये एक सही पॉइंट है, सबसे पहले बैक साइड ही चेक की जाती है, ताकि जो इंस्ट्रूमेंट जहाँ पे प्लेस्ड है उसकी हाइट जान सके हम। और बैक साइड सबसे पहले किसके लेते हैं? एक डेटम की। द सेकेंड साइट ऑफ एनी चेंज पॉइंट इज फोर साइट। सेकेंड साइट एक फोर साइट होती है, ऐसा कुछ नहीं है। फोर साइट एक लास्ट साइट होती है, इंटरमीडिएट भी हो सकती है, तो ये ऑप्शन गलत है। द लाइन कमेंसिज विद अ फोर साइट एंड क्लोजेज विद अ बैक साइट। की जो लाइन है वो फोर साइट से स्टार्ट होती है और बैक साइड पे खत्म होती है, ऐसा कुछ है नहीं। बैक साइड से शुरू होती है और फोर साइड पे खत्म होती है, क्योंकि फोर साइड लास्ट है और बैक साइड फर्स्ट साइट है। और लास्ट ऑप्शन कह रहे हैं नन ऑफ दीज, ये तो हो नहीं सकते क्योंकि हमारा एक प्रोविजन एकदम सही हो गया, तो ए आंसर हो गया इसका। इन लेवलिंग ऑपरेशन फर्स्ट साइट ऑन एनी चेंज पॉइंट इज अ बैक साइड। ये लिखी हुई है, तीनों साइड को डिफाइन किया है मैंने, पहले वाले वीडियो में भी डिफाइन किया था। बैक साइड क्या होता है? बैक साइड इज द फर्स्ट साइट रीडिंग टेकन आफ्टर सेटिंग अप एन इंस्ट्रूमेंट और एनी चेंज पॉइंट। फोर साइट इज द लास्ट रीडिंग टेकन आफ्टर फ्रॉम एनी इंस्ट्रूमेंटेशन स्टेशन, आफ्टर विच इंस्ट्रूमेंट शैल बी शिफ्टेड और रीडिंग इज टेकन एट द एंड ऑफ द सर्वे वन। और इंटरमीडिएट साइड सारी अदर रीडिंग्स एक्सेप्ट बैक साइड और फोर साइड। बैक साइड और फोर साइड को छोड़ के जितनी भी रीडिंग्स हम लेंगे, वो सब की सब क्या है? हमारी इंटरमीडिएट साइड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा था, फिक्स ऑफ अ प्लेन टेबल फ्रॉम थ्री नॉन पॉइंट इज गुड। जो फिक्स है प्लेन टेबल का, एक फिक्स करते हैं हम, वो है क्या? जो फिक्स वर्ड हम यूज करते हैं प्लेन टेबल को जब हम सेट कर रहे होते, सेटिंग करते हैं, वो फिक्स है क्या? फिक्स क्या है? मिडल स्टेशन इज नियरेस्ट, सॉरी ये फिक्स है, फिक्स की बात नहीं कर रहा। ये कह रहा है कि फिक्स जब हम प्लेन टेबल को कर देते हैं थ्री नॉन पॉइंट्स में, तो वो कब सबसे अच्छा है? मान लो मैं तीन नॉन पॉइंट्स है और उसमें प्लेन टेबल कहीं पे रख रहा हूँ उनके बीच में, तो प्लेन टेबल कहाँ सबसे अच्छी फिक्स होगी? मिडल स्टेशन इज नियरेस्ट, मिडल स्टेशन नियरेस्ट होंगे पहला ऑप्शन। मिडल स्टेशन इज फार्दर, मिडल के स्टेशन फार्दर, तो आइदर राइट और लेफ्ट स्टेशन इज नियरेस्ट और नन ऑफ दिस। जो फिक्स है वो सबसे बेस्ट होगा जब मिडल स्टेशन सबसे नियरेस्ट होगा। आइए पढ़ते हैं फिक्स है क्या। द फिक्स इज गुड व्हेन इंस्ट्रूमेंट स्टेशन टी, कोई भी इंस्ट्रूमेंट स्टेशन है उसका नाम टी दे दिया, इज विद इन द ट्रायंगल, ट्रायंगल के अंदर हो, पर्टिकुलरली व्हेन इट इज एट द ऑर्थो सेंटर, ऑर्थो सेंटर एंड द मिडल स्टेशन इज मच नियरर द अदर। ये जो ऑप्शन में था, मिडल स्टेशन मच नियरर होना चाहिए बाकी सबसे, देन द अदर सबसे सबसे पास में यही होना चाहिए औरों के मुकाबले। ऑन द अदर हैंड द फिक्स इज बैड और पुअर व्हेन द इंस्ट्रूमेंट स्टेशन टी इज नियर द सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कमस्क्राइबिंग सर्कल। अगर एक ट्रायंगल जो बनता है ये तीनों पॉइंट को बना के, और उसको एक उस ट्रायंगल के अंदर एक सर्कल है, तो उसके सर्कमफेरेंस पे अगर हम उस इंस्ट्रूमेंट को फिक्स करते, तो वो सबसे बैड सिचुएशन है, उस समय वो सबसे बेकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं, द एक्यूरेसी ऑफ मेजरमेंट इन चेन सर्वेइंग डज नॉट डिपेंड अपॉन। जो एक्यूरेसी ऑफ मेजरमेंट है चेन सर्वेइंग के टाइम पे, वो किसमें, इनमें से किस पे डिपेंड नहीं है? लेंथ ऑफ द ऑफसेट बिल्कुल डिपेंडेंट है, लेंथ ऑफ द ऑफसेट पे डिपेंडेंट होती है एक्यूरेसी ऑफ द मेजरमेंट, की ऑफसेट की लेंथ कितनी दूर है। स्केल ऑफ द प्लॉटिंग बिल्कुल
हमें एक्यूरेसी चाहिए, तो स्केल जो प्लॉट कर रहे हैं हम, जो टेबलिंग टेबल पे हम जो प्लॉटिंग कर रहे हैं या चेन सर्वेइंग के दौरान जब ले रहे हैं, तो हमें मैप बनाते वक्त इसका स्केल का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा। तो ये बिल्कुल है, एक्यूरेसी इस पर डिपेंड है। इंपॉर्टेंस ऑफ द फीचर्स, जो आसपास के फीचर्स हैं उस पर जरूर डिपेंड करेगा। जनरल लेआउट ऑफ द चेन लाइन, इन पे कभी भी कि कौन सी चेन लाइन हम यूज कर रहे हैं उसके लेआउट पर नहीं करता, तो हमारा आंसर क्या हो गया? डी, डी इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ये नॉट डिपेंड पूछ रहा था, तो डी आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है क्रॉस स्टाफ इज यूज फॉर, जो क्रॉस स्टाफ हम यूज करते हैं सर्वेइंग में वो किस लिए यूज किया जाता है? ऑप्शन आपके पास है, सेटिंग आउट राइट एंगल्स, राइट एंगल सेट करने के लिए, मेजरिंग हॉरिजॉन्टल एंगल, हॉरिजॉन्टल एंगल मेजर करने के लिए, या दोनों ही राइट एंगल भी और हॉरिजॉन्टल यूज एंगल मापने के लिए भी, या नन ऑफ दी, या इनमें से कुछ भी नहीं। तो जो क्रॉस स्टाफ है वो यूज होता है राइट एंगल सेट करने के लिए, सेटिंग आउट राइट एंगल। अब है क्या है? ये देखो, आपको ये दिखाया हुआ है, ये क्रॉस स्टाफ है, हम यहाँ से देखते हैं इसकी हेल्प से, तो ये एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक दूसरे के 90 डिग्री है, दोनों तरफ से हम एक जगह सेट करके देखेंगे तो हमें 90 डिग्री मिल जाएगा। तो क्रॉस स्टाफ इज एसेंशियली एन इंस्ट्रूमेंट यूज फॉर सेटिंग आउट राइट एंगल्स, जो हमारे ऑप्शन में था। इन इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म इट इज नोन एज ओपन क्रॉस स्टाफ, सिंपलेस्ट फॉर्म में ये ओपन है, ये वाला। तीन प्रकार के हैं, फ्रेंच क्रॉस स्टाफ, ओपन क्रॉस स्टाफ और एडजस्टेबल क्रॉस स्टाफ। जो सिंपलेस्ट फॉर्म है वो कौन सी होगी? ओपन की। एक और इंपॉर्टेंट चीज इसके बारे में, इट कंसिस्ट ऑफ टू पेयर ऑफ वर्टिकल स्लिट्स प्रोवाइडिंग टू लाइंस ऑफ साइट म्यूचुअली एट राइट एंगल्स। तो ये है वो टू वर्टिकल पेयर्स ऑफ स्लिट, एक पेयर ये हो गया, एक पेयर मेरा ये हो गया, इसकी बात कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है इन अ मैट्रिक चेन, मैट्रिक चेन की बात हो रही है अब, नंबर ऑफ लिंक्स पर मीटर चेन कैन बी, एक मैट्रिक चेन की बात हो रही है कि उसमें 1 मीटर के अंदर कितने लिंक्स होते हैं। आपके पास ऑप्शन है 2, 5, 8, 0, तो याद रख लो इसको, मैट्रिक चेन के अंदर 5 लिंक्स होते हैं। ये आपको सर्वेइंग में यूज होने वाली सभी चेन्स के बारे में ये डाटा प्रोवाइडेड है। मैट्रिक चेन आर जिसको जो बनाई जाती है 20 मीटर, 30 मीटर, 5, 10 में भी बनाते हैं, 20 मीटर और 30 मीटर जनरली देते हैं। टैलीज आर फिक्स्ड एट एवरी 5 मीटर लेंथ, ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि हर 5 मीटर की लेंथ पे हम टैलीज फिक्स करते हैं। जो ब्रास रिंग्स प्रोवाइडेड होते हैं आर एट एवरी मीटर लेंथ, वो कितने मीटर दूरी पे प्रोवाइड होते हैं? हर 1 मीटर के बाद ये ब्रास रिंग्स प्रोवाइड होते हैं, एक्सेप्ट वेयर टैलीज आर नॉट अटैच, उस जगह को छोड़ देते हैं जहाँ पे टैलीज लगी हुई होती है। मान लो 5 मीटर पे, 5 मीटर, 5वें मीटर पे हम ब्रास नहीं लगाएंगे, 6 मीटर पे लगाएंगे चौथे के बाद सीधा। अब ये कह रहा है कि 20 मीटर के चेन में कितने लिंक्स होते हैं? 100 लिंक्स, ये भी क्वेश्चन बन जाता है। और 30 मीटर की चेन में कितने लिंक्स होते हैं? 150। और एक लिंक कितने सेंटीमीटर का हो गया? 20 सेंटीमीटर का। और नंबर ऑफ लिंक्स कितने होते हैं? 5, जो कि आपके क्वेश्चन में पूछा हुआ था। ऐसे एक सर्वे चेन है, इसके बारे में मैंने पहले वीडियो में भी डिस्कस किया है, इसको हम गुंडर्स चेन भी कहते हैं। बहुत ज्यादा क्वेश्चन इस पे मैक्सिमम पूछे जाते हैं। इसकी लेंथ कितनी होती है? 66 फीट, 22 यार्ड्स। नंबर ऑफ लिंक्स कितने इसमें? 100। और एक लिंक कितने का हो गया? 0.66 फीट का। इंजीनियरिंग चेन, जो इंजीनियर चेन है, एक नाम है, जिसकी लेंथ कितनी होती है? 100 फीट। इसमें लिंक्स कितने? 100। तो एक कितने का हो गया? 1 फीट का एक लिंक हो गया। तो ब्रास रिंग्स आर प्रोवाइडेड एवरी, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि इंजीनियर चेन में जो ब्रास रिंग है वो कितनी दूरी पे प्रोवाइड किया जाता है? हर 10 लिंक के बाद, यानी कि 10 फुट के बाद एक ब्रास रिंग यूज होती है। एक रिवेन्यू चेन है, जिसकी लेंथ कितनी होती है? 33 फीट। नंबर ऑफ लिंक्स कितने होते हैं इसमें? 16। तो एक लिंक कितने का हो गया? 2 फीट का। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है इन सर्वेइंग कंपास द बेयरिंग ऑब्जर्व आर इन, इन सर्वेइंग कंपास के दौरान जो बेयरिंग ऑब्जर्व हम करते हैं वो किस में होती है? ऑप्शन है होल सर्कल बेयरिंग, रेडियस बेयरिंग, बोथ ए एंड बी और नन ऑफ द अबव। जो हमने बेयरिंग यूज सर्वेइंग कंपास में जो बेयरिंग हम ऑब्जर्व करते हैं वो किस में होती है? तो दो प्रकार के कंपास यूज करते हैं हम, एक सर्वेइंग कंपास, एक दूसरा प्रिज्मेटिक कंपास। होल सर्कल बेयरिंग यूज होती है प्रिज्मेटिक में, और रेडियस बेयरिंग यूज होती है सर्वेइंग में। इसी को हम क्वाड्रेंटल बियरिंग सिस्टम भी कहते हैं, इसी को रेडियस बियरिंग सिस्टम को, ये यहाँ पे लिखा है। सर्वेइंग कंपास में हम क्या यूज करते हैं? क्वाड्रेंटल बियरिंग और रेडियस बियरिंग सिस्टम, जो कि अभी हमारा ऑप्शन में था। और प्रिज्मेटिक कंपास में हम क्या यूज करते हैं? होल सर्कल बियरिंग सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है लेवलिंग डील्स विद द मेजरमेंटिंग, जब हम लेवलिंग कर रहे होते हैं सर्वेइंग में वो किससे डील करता है? क्या मेजर करते हैं हम लेवलिंग में? हॉरिजॉन्टल प्लेन और वर्टिकल प्लेन, या दोनों के दोनों, या इंक्लाइन प्लेन। ये क्वेश्चन काफी ट्रिकी सा है कि लेवलिंग करते वक्त करते हैं हॉरिजॉन्टल सरफेस पे है तो हम मेजर क्या करते हैं? हम मेजर करते हैं वर्टिकल प्लेन, और लेवलिंग डील्स विद द मेजरमेंट इन वर्टिकल प्लेन। सर्वेइंग में एक मेथड यूज करते हैं हम, द राइज एंड फॉल मेथड। सर्वेइंग में
यूज करते हैं हम राइज एंड फॉल मेथड, किस केस में? लेवलिंग के केस में। ऑफ लेवलिंग प्रोवाइड्स अ कंप्लीट चेक ऑन, किसके ऊपर ये चेक प्रोवाइड करता है? बैक साइड के ऊपर, इंटरमीडिएट साइड या फोर साइड। तो लेवलिंग करते वक्त हम तीनों ध्यान में रखते हैं, बैक साइड, इंटरमीडिएट साइड और फोर साइड। तो राइज एंड फॉल मेथड तीनों पे कंप्लीट चेक देता है। तो इसका आंसर क्या हो गया? डी, ऑल ऑफ द अबव। ये दिया भी है, इन राइज एंड फॉल मेथड हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट इज नॉट एट ऑल कैलकुलेटेड, बट द डिफरेंस ऑफ लेवल बिटवीन कंसेक्यूटिव इज फाउंड बाय कंपेयरिंग द स्टाफ रीडिंग ऑन द टू पॉइंट्स फॉर द सेम सेटिंग ऑफ इंस्ट्रूमेंट। ये पढ़ लेना पॉज करके, जो इंपॉर्टेंट है हमारा ये रहा। देखो, बैक साइड माइनस फ्रंट साइड किसके इक्वल होता है? राइज माइनस फॉल के, और लास्ट आरएल माइनस फर्स्ट आरएल। तो आपको यहां से क्लियर हो गया होगा, राइज एंड फॉल मेथड में हम बैक साइड, फ्रंट, फोर साइड और इंटरमीडिएट साइड तीनों को कंसीडर करके चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, द टू पॉइंट एंड थ्री पॉइंट प्रॉब्लम आर द मेथड ऑफ। जो हम टू पॉइंट और थ्री पॉइंट प्रॉब्लम यूज करते हैं सर्वेइंग में, आपने पढ़ा होगा बीटेक के दौरान, कि टू पॉइंट प्रॉब्लम और थ्री पॉइंट प्रॉब्लम कब यूज करते हैं? प्लेन टेबल सर्वेइंग में। और प्लेन टेबल सर्वेइंग के कौन से पार्ट में यूज करते हैं? आपके पास चार ऑप्शन है, रेडिएशन मेथड, इंटरसेक्शन मेथड, ट्रावर्सिंग मेथड और डिसेक्शन मेथड। ये चारों के चारों ऑप्शंस के बारे में मैं पहले, मैंने जो वीडियोस डाले हैं सर्वेइंग के, उनमें चारों के बारे में डिस्कस कर चुका हूँ। फिर से बता देता हूँ, इसका टू पॉइंट प्रॉब्लम और थ्री पॉइंट प्रॉब्लम हम यूज करते हैं डिसेक्शन में। इनके बारे में दोबारा पढ़ लेते हैं। रेडिएशन मेथड क्या है? इसमें क्या होता है, अ रे इज ड्रॉन टुवर्ड्स द पॉइंट विद द हेल्प ऑफ द एलईडी। एक रे ड्रॉ करते हैं हम पॉइंट के, इसकी हेल्प से एलईडी की, विद द हेल्प ऑफ चेन और टेप द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस इज मेजर्ड फ्रॉम द प्लेन टेबल टू द पॉइंट एंड दिस पॉइंट इज लोकेटेड ऑन शीट बाय प्लॉटिंग इट इनटू द स्केल ऑफ द मैप। आपको आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा रेडिएशन मेथड क्या है। अगर यहाँ से नहीं क्लियर होता है तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, एसएससी मेन की तैयारी कराने के लिए जो मैं वीडियोस बनाऊंगा उनमें इनको काफी डीप से समझाऊंगा, क्योंकि इनके क्वेश्चंस एसएससी मेंस में पूछे जाते हैं, कन्वेंशनल क्वेश्चंस। तो ये काफी अच्छे से, अगर आपको इनकी डेफिनेशन पढ़नी है तो आप वीडियो पॉज करके पढ़ सकते हैं। यहाँ पे देखो, ये दिखा है रिसेक्शन में हम किस मेथड से करते हैं, रिसेक्शन में हम टू पॉइंट प्रॉब्लम मेथड और थ्री पॉइंट प्रॉब्लम मेथड। तो हमारा आंसर क्या हो गया? रिसेक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा था, बेस्ट मेथड ऑफ इंटरपोलेशन ऑफ कंटूर इज। कंटूर को इंटरपोलेट करने का जो सबसे बेस्ट मेथड है वो कौन सा है? ऑप्शन है एस्टिमेशन, ग्राफिकल मीन, कंप्यूटेशन और ऑल ऑफ दीज। तो जो सबसे बेस्ट मेथड है वो कंप्यूटेशन मेथड है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, द लिमिटिंग लेंथ ऑफ एन ऑफसेट डज नॉट डिपेंड अपॉन। ऑप्शन की जो लिमिटिंग लेंथ है ऑफसेट की, वो किस पे डिपेंडेंट नहीं है? आपके पास चार ऑप्शन है, एक्यूरेसी ऑफ द वर्क, मेथड ऑफ सेटिंग आउट परपेंडिकुलर्स, स्केल ऑफ प्लॉटिंग और इनडेफिनेट फीचर टू बी सर्वे। तो जो इनडेफिनेट फीचर्स है जो हमें सर्वे करना है उस पे कभी लिमिटिंग लेंथ डिपेंडेंट नहीं होती, इन सारों पे होती है। इसके बारे में डीप में देखते क्या है, ऑफसेट इज द लेटरल डिस्टेंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट और ग्राउंड फीचर मेजर्ड फ्रॉम अ सर्वे लाइन। द लिमिटिंग लेंथ ऑफ ऑफसेट डिपेंड्स अपॉन किस किस पे? एक्यूरेसी ऑफ द वर्क, मेथड ऑफ सेटिंग आउट परपेंडिकुलर, स्केल ऑफ प्लॉटिंग। तो हमारा जो ऑप्शन इसमें नहीं था वो डी था, तो डी हमारा एकदम सही हो गया। थैंक यू गाइस, ये वीडियो मैंने थोड़ी जल्दी जल्दी करके बनाई है, आपको बताइए क्यों बनाई है, क्योंकि टाइम बहुत कम रह गया और मेरे को हर क्वेश्चन आप तक पहुंचाने थे। आई होप आपको ये वीडियो क्लियर हुई होगी। ऐसी बात नहीं है मैंने कोई पॉइंट इसमें छोड़ा है जो समझाने लायक था, मैंने पिछली जो वीडियो सर्वेइंग की डाली है उसमें सारे पॉइंट समझा दिए थे, इस करके थोड़ी जल्दी भी बनी। जल्दी मैं आपके लिए नई वीडियोज लेके आऊंगा, और सर्वेइंग की आप हमारे चैनल, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर जरूर करें, और जिन्होंने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब भी करें, क्योंकि एसएससी टायर 2 की जब तैयारी कराई जाएगी तो वो ये मेथड्स काफ़ी डीप में समझाए जाएंगे। थैंक यू फ्रेंड्स।